हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास नाइन मूवमेंट्स का लेसन थ्री, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कहानी सुनाने वाला एक ईश्वरन नाम के व्यक्ति, इसके बारे में ये कहानी है। कौन सी कहानी, वो किसे सुनाता है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, हमारी कहानी को। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। महेंद्र अपनी नींद से जागा एंड सा, और उसने देखा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, कि एक गहरा बादल सा दिखा रूप। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वह एक ठंडे पसीने में ब्रोक आउट, भीग गया, तर हो गया। वाज इट अ घोस्ट, का ये भूत था। तो जानते हैं कि क्या एक सच में भूत था या नहीं था, या ये ऐसी फर्स्ट स्टोरी है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम। ये कहानी गणेश नाम के युवक को एक महेंद्र नाम के युवक के द्वारा नरेट सुनाई जाती थी, या सुनाई जाती है, सुनाई गई। He was a junior supervisor in a firm. वह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। Which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. और जो जो विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट थे, निर्माण स्थल थे, जैसे कि फैक्ट्रियां थी, पुल थे, बांध थे, या ऐसे ही कई और, इन पर या इनके लिए क्या करती थी, हायर ऑन सुपरवाइजर्स, भाड़े पर सुपरवाइजर को ऑफर दिया करती थी। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो काम था वो क्या था, कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट, के कार्यस्थल पर चल रही जो एक्टिविटीज, गतिविधियाँ थी, उन पर निगाह रखना। ये काम महेंद्र का था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। और उसे महेंद्र को फिर से देखते हैं। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, कि उसे अपने हेड ऑफिस के आदेश के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कि एक कोल माइनिंग क्षेत्र से रेलवे पुल बनाने वाले स्थल तक। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उसके कुछ महीनों बाद एक रासायनिक प्लांट पर, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पे बन रहा होता था, उसे जाना होता था। ही वाज अ बैचलर, वह अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वाज एन इल इक्विपाइड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टैंड क्वेरी। वह एक अविवाहित था और उसकी जो ज़रूरतें थी वो भी सामान्य थी, और वह खुद को हर तरीके की जो विषम परिस्थितियाँ थी, असामान्य स्थितियाँ थी, उनमें खुद को समायोजित कर लेता था, एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वाज चाहिए कोई इल इक्विपाइड, अनावश्यक चीज़ों से सजा हुआ सर्किट हाउस हो, या फिर मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टर्न क्वेरी, और या फिर ये अस्थायी रूप से बना हुआ पत्थर की खदान के बीचों बीच कोई कैनवास टेंट हो, उस हर स्थिति में खुद को क्या करता था, ढाल लेता था। बट लेकिन वन असेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन वन असेट, उसका जो एक साथी था, जो उसका रसोईया ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम
अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वाज पोस्टेड। जो कुक था वो पूर्ण रूप से महेंद्र से जुड़ा हुआ था और बिना शिकायत के जहाँ कहीं भी वो पोस्टेड होता, वह उसके साथ क्या करता था, रहता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वॉश हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में अपने मालिक से चैटेड गप करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी, वह कभी खत्म ना होने वाली कहानियों को बुनता था। एंड एन एक्डोनेट ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और विभिन्न विषयों पर वृत्तांतों को क्या करता था, गढ़ता था यार, कहानियां करता था या बुनता था। ईश्वर आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। ईश्वर में एक जो अद्भुत क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो क्या थी कि वह जो सब्जियां थीं और जो खाना पकाने के अन्य इंग्रेडिएंट्स थे, घटक होते थे, वो ना जाने स्टीमिंगली ओ सॉरी ले आता था आउट ऑफ नोवेयर, जाने कहीं से भी, इन द मिडल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। कि इस एकांत या निर्जन स्थान पे मीलों तक, जहाँ कोई दुकान भी नहीं दिखती थी, उनके बीच न जाने कहाँ से वो सब्जियाँ और जो खाना पकाने के घटक थे उनको ले आता था। ऐसे ही ईश्वर के अंदर क्षमता थी। ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर्स ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीड शेल्टर एट द न्यू वर्कशॉप। और वह रहस्यमय तरीके से काम करके क्या करता था, नए जो जस्ते की सीट के नीचे जो उसका आश्रय था, उस नए स्थान पे आने के 1 घंटे के भीतर ही वो ताजी सब्जियों को ला करके स्वादिष्ट खाना बना लेता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। जो महेंद्र था वो बड़े ही जल्दी उठता था और नाश्ता करने के बाद अपने काम पे निकल जाता था, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। वह जो कुछ भोजन बना हुआ था होता था उसे अपने साथ में ले जाता था। मीनवाइल, और इसी बीच, ईस्टर्न वुड टाइडी अप द सेट, वॉश द क्लॉथ एंड हैव अ लिस्टरली बाथ, पॉरिंग सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। और इसी बीच जो ईश्वर था वो उस आश्रय की सफाई करता था, कपड़ों को धुलता था और एक आरामदायक स्नान करता था। सेवरल बकेट ऑफ वाटर, कई पानी से भरी हुई जो बाल्टियां थी उसे अपने सिर पर पॉरिंग उड़ेल करके, और एक मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। और इसी बीच कुछ जो प्रेयर थी या जो प्रार्थना थी उसे बड़बड़ाते हुए वो नहाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद लंच का समय होता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ। और खाने के बाद वो डॉजिंग ऑफ, सुस्ताने तक वो कुछ पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। जो किताबें होती थी वो बड़ी ही पॉपुलर तमिल थ्रिलिंग रनिंग टू 100 ऑफ पेज, उसके जो सैकड़ों पेज होते थे वो जो तमिल भाषा थी या तमिल की सनसनीपूर्ण साहित्य से छपी होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिस वुड है और वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल। और इसकी जो
इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होती थी, काल्पनिक विवरण होता था, साथ में ही इसका जो कथन होता था वो ईश्वर को अपने घेरे में ले लेता था। हिज ऑन डिस्क्रिप्शन, उसकी जो खुद का विवरण हुआ करते थे, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, वह उन तमिल लेखकों से प्रभावित रहता था जो जिनको वो पढ़ता था। वन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, और जब कभी भी वो कोई छोटी सी घटना भी नरेट करता बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वह इसमें जो एक सस्पेंस है, असमंजस है, उसको बनाए रखने की कोशिश करता, एंड द सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और कहानी के अंत तक या अंत अंत तक वो इसमें जो एक सरप्राइज था, जो एक चकित करने वाला तत्व था, वो जोड़ रहता था। ही वुड फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने के बजाय कि उसके रास्ते के रास्ते में जो मुख्य मार्ग था उसमें एक जड़ से उखड़ा हुआ अपरूटेड ट्री था, वो पड़ा हुआ था। ही वुड सेम, वह कहता, विद आईब्रोज सुटेबल आर्च एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेस्टिक गेस्टर, वह अपनी भौहों को या भौहों की क्या करता, एक मेहराब बनाता, उनको मोड़ता और अपने हाथों को एक नाटकीय भाव से क्या करता, मोड़ता, हेल्ड करता या उठाता, और बताता द रोड वॉज डेजर्टेड, कि जो रास्ता था वो सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समवेयर दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस वुजी वीस्ट लिंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और अचानक से मैंने एक ऐसी चीज देखी जैसे कि एक भीम का है, बालों वालों एक विशाल बालों वाला कोई दैत्य हो, कोई जानवर हो, लैंग स्पॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो रोड के आर पार पड़ा हो। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और मैं थोड़ा सा डर करके वापस ही मुड़ने वाला था, बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास आया, आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो कोई उखड़ा हुआ पेड़ था या गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो सूखी शाखाएं थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्टिच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली, जो महेंद्र था वो खुद को अपनी जो कैनवास चेयर थी उस पर फैला लेता था, और ईश्वर की जो कहानियाँ थी उनको बड़े ही तथस्थ भाव से सुना करता या ध्यानपूर्वक सुना करता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम अ फेमस फॉर टिम्बर, स्थान जहाँ से मैं आया वो टिम्बर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। ईश्वर वुड बिगिन, ईश्वर ने ऐसा शुरू किया, देर इज अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, उसके चारों ओर एक घनी लकड़ियों से या सघन एक वन था। द लॉग्स आर होल्डेड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, और जो लट्ठे होते थे उन्हें हाथियों के द्वारा लॉरी पे होल्ड चढ़वाया जाता था। यह चढ़वाया जाता है, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वे बड़े ही विशाल और वेल फेड बीस्ट, अच्छी तरह से पेट भरे हुए प्राणी हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, और जब कभी वो पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जो उनका महावत होता है वो उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। After this prologue, Ishwan would launch into an elaborated, encoded, involving an elephant.
और इस प्रस्तावनात्मक जो कथन था, या इस कथन के बाद ईश्वर ने उस हाथी को इन्वॉल्व करते हुए, लपेटते हुए एक वृत्तांत बताना शुरू किया, या मैदेर जो कहानी थी उसे कहना शुरू किया कि वन डे, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर एंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रांचेस एट कि एक दिन अटस्कर, यानी कि बाहर दांत निकले हुए जो एक हाथी होता है, कि एक हाथी जो है वो अपनी टिम्बर यार्ड से, जो टिम्बर का आंगन था वहां से निकल जाता है, और बिगिन टू रूम अबाउट स्टेपिंग ऑन बसेज, और वो भाग जाता है झाड़ियों को रोनते हुए, जो जंगली क्रीपर्स थी, लताएं थी, उनको तोड़ते हुए, एंड जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनको भी तोड़ते हुए वो भाग निकला। यू नो सर, श्रीमान जी, आप तो जानते हैं हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, कि एक हाथी किस प्रकार से बिहेव करता है जब ये पागल हो जाता है। ईश्वर वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। जो ईश्वर था अपनी खुद की कहानी से इतना उत्तेजित जाता, या उत्तेज हो उठता, कि वो खुद उस पागल हाथी की तरह अपने पैरों को उस फर्श पर पटकने लगता। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ अवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक, ही वुड कंटिन्यू। उसने आगे बताया कि जो हाथी था वो हमारे गांव की सरहद तक पहुंच गया, और जो फेंसेस थी, जो बाड़ लगे हुए थे, उसे माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए इट केम इन टू द मेन रोड, यह मुख्य सड़क पर आ पहुंचा, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ, और जो वहाँ पे फलों को बेचने वाले के लिए स्टॉल लगे हुए थे, मिट्टी के घड़े थे, और जो कपड़े थे उनको इसने स्मैश नष्ट कर दिया। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और जो लोग थे वो घबराहट के मारे पैनिक से इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब जो हाथी था अब वो उस ग्राउंड में प्रवेश कर गया जहाँ पे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, उनकी ईंटों की जो दीवार थी उसे तोड़ते हुए वो उस ग्राउंड में प्रवेश कर गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लास रूम एंड शट द डोर टाइट, सारे जो लड़के थे वो क्लासरूम की ओर भागे, और उन्होंने दरवाजों को कस करके शट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग द फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। जो जानवर था वो ग्रंटेड, थोड़ा घुरघुराया, एंड वंडर्ड अबाउट, यहाँ वहाँ भटकने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को गिरा दिया। टीरिंग अप द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और पानी के लिए रखे हुए जो ड्रम थे उन्हें लात मारते हुए फ्लैटरिंग चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब, और जो झाड़ियाँ लगी हुई थी उनको अपरूट उखाड़ डाला। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लिम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी बीच सारे जो शिक्षक थे वो स्कूल बिल्डिंग की टेरेस छत पर पे चढ़ गए। फ्रॉम देयर, और वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, वो असहाय की भांति उस हाथी द्वारा जो तबाही थी, डिप्रेडेशन था, उसे देखने लगे। देयर वॉज नॉट अ सोल ब्लो ऑन द ग्राउंड, और उस ग्राउंड पर, उस मैदान पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड,
जो सड़कें थी वो खाली थी, जैसे कि जो इस पूरे नगर के इनहेबिटेंट्स निवासी थे हैड सडनली डिसअपीयर्ड, वो अचानक से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और मैं समय छोटी क्लास में पढ़ता था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं ये सारा का सारा जो नाटक था, ड्रामा था, उसे छत के ऊपर से एक देख रहा था। आई डोंट नो वाट केम ओवर मी सडनली, और मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक से क्या सूझा। आई ग्रेब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर एंड इन टू द ओपन। मैंने ग्रेब्ड छीन ली अ कैन, एक छड़ी को, फ्रॉम द हैंड ऑफ द टीचर, शिक्षकों के हाथ से मैंने एक छड़ी को छीन लिया, और रन डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे होता हुआ एंड इन टू द ओपन, खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रुंटेड, जो हाथी था वो घुरघुराया, एंड मैंसिंग लीम स्वंग अ ब्रांच ऑन अ ट्री विच इज हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और उसने धमकी देकर डरवाते हुए एक पेड़ की जो शाखा थी उसे स्वयं तोड़ लिया। विच इज हेल्ड इन स्ट्रेंथ, जो उसे वो अपनी सूंड में पकड़े हुए था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसने जो बहुत सारा कीचड़ था और जो धूल थी उसमें किक किया, लाते मारी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा ही डरावना दिखाई दिया। बट लेकिन आई मूव स्लोली टुवार्ड इट, मैं धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में छड़ी लेकर के। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, जो लोग थे वो बड़े ही सम्मोहित होकर, हिप्नोटाइज होकर के घरों के ऊपर से या पास के घरों के ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज, उस हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, और मुझके मेरे ऊपर मुझे रौंद कर जाने के लिए वो तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्प लाउडली, उसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से ट्रम्प चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं उस आगे बढ़ा एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपना पूरा जोर लगा करके वैक्ट इट्स थर्ड टो नेल ऑन अ क्विक, बड़ी ही जल्दी से इसके तीसरे पैर के जो अंगूठा था उस पर वैक्ट तेजी से या तड़ातड़ छड़ी मारना शुरू कर दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, जो जानवर था वो कुछ पल के लिए अचंभित हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम अ हेड टू फुट, और इसके बाद ये सिर से लेकर पैर तक कांप गया एंड कॉलेस्ट, और ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इसी बीच जो ईश्वर था उसने उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये बड़बड़ाते हुए उठ गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं गैस जलाकर खाने को गर्म कर दूँ, ऐसा बड़बड़ाते होकर, या मैं गैस जलाकर खाने को गर्म कर दूँ, उसके बाद अभी आया, ऐसा कहते हुए वो इस कहानी को बीच में ही छोड़ गया। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो महेंद्र थे वो जो इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, मानो उन्हें वहीं छोड़ दिया गया हो। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो उसने तत्काल ही अपने उस कहानी के धागे को नहीं पकड़ा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्र उसे ये याद दिलाते कि जो कंक्लूजन है, ठीक है ना, जो अंत है, सार है, वो अभी बाकी है। वेल आप वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड, कि वेटनरी डॉक्टर था, जो पशुओं का डॉक्टर था, उसे बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को बचाने के लिए। ईशन वर्ड सक कैजुअली, ईश्वर ने
अपने जो कंधे थे उनको औपचारिक रूप से हिलाते हुए कहा, टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, कि दो दिन बाद इसे इसके महावत के द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, वेल या तुमने ये कैसे किया ईश्वरन, तुमने उस जानवर को कैसे गिरा दिया, ऐसा महेंद्र ने पूछा। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, उसने कहा कि सर मुझे लगता है कि ये एक जापानी कला है कराटे और जुजुत्सु, इट इज कॉल्ड इसे कराटे और जुजुत्सु कहते हैं। आई हैव रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पे पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, पर आप तो जानते हैं कि ये कुछ समय के लिए क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसे पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब जो ईश्वरन था वो किसी रोमांच भय या सस्पेंस से भरी हुई कहानियां ना सुनाए। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी जो थी विश्वसनीय हो या ना हो। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनविटेबल वे इन विच ही वाज टोल्ड, चाहे ये कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र जो है इसे सुनने का आनंद लिया करते थे क्योंकि वह इसे बड़े ही जो इनिमिटेबल वे था, अद्वितीय तरीका था, जिस तरीके से वो सुनाता था उसका वो आनंद लिया करते थे। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, ऐसा लगता था कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के क्वार्टर में जो टीवी की कमी थी उसको मेकअप पूरी कर देता था। वन मॉर्निंग एक सुबह व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क, जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या मैं आज रात जो डिनर है उसमें कुछ खास तैयार कर सकता हूँ। श्रीमान जी आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आखिरकार आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स ट्रेडिशन, हमारी परंपरा के अनुसार आज के दिन हमारे जो पूर्वज की जो आत्माएं हैं उनको हम जो स्वादिष्ट डिशेस हैं या भोजन हैं उनको खिलाते हैं या उनके लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करते हैं। दैट नाइट, उस रात महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलनरी स्किल्स, और जो ईश्वरन की पाक कला थी उस कौशल का या उस कौशल की प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इंटू अ मोस्ट गैरस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, वह बहुत खुश दिखाई दिया लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने बहुत ही जो भड़कीला या यूं कहा जाए कि अप्रत्याशित रूप से एक अलौकिकता से भरा हुआ जो गैरस अकाउंट था, भड़कीला वर्णन था, उसे शुरू कर दिया। उसने कहा, यू नो सर, आप तो जानते हैं दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, कि इस फैक्ट्री के संपूर्ण क्षेत्र में वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरल ग्राउंड, कि इनके बीच में एक शमशान भी है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वाज जट आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवराइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील, महेंद्र ने उस जो
स्वादिष्ट भोजन था उसका, आनंद में जो उस मगन था महेंद्र संतोष भोजन, यूं बोला जाए कि महेंद्र वाज जट आउट द प्लीजेंस रिवराइव ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील। एक संतोषजनक भोजन करने के बाद जो महेंद्र था उसने एक झटके को महसूस किया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लिंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कैम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यूड। ईश्वर ने ये जारी रखा कि मैं ये पहले दिन ही जान गया था जब मुझे यहाँ एक ह्यूमन स्कल माना खोपड़ी रास्ते पड़ी मिली थी, और आज मुझे आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्टेड एट नाइट। वही बता रहा था या वही वर्णन करता रहा, बताता रहा कि कैसे उसने रात के समय कई बार भूतों को देखा। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, सर मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ बीमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, और पूर्णिमा की रात जो एक भयानक भूतनी थी, घोस्ट ऑफ अ वुमन, जो अचानक से प्रकट होती है। इट वॉज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रीविल्ड फेस। ये एक क्रूर प्राणी है जिसके उलझे हुए बाल हैं और झुर्रियों वाला चेहरा है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फुटस ऑन इट्स आर्म, और ये जो अस्थि पंजर है अपने हाथ में ऐसा कोई झूण लिए हुए लगता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी। महेंद्र इस वर्णन से कांप गया और उसने से बीच में रोकते ही तेजी से बोला, क्या तुम पागल हो ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट्स ऑफ योर इमेजिनेशन, ये हमारे या तुम्हारे कल्पना की ही फिगमेंट उपज है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम, जाके अपने पाचन तंत्र का या पाचन तंत्र की जांच कराओ, एंड मे बी यू हैड एज वेल, और साथ ही अपने जो दिमाग है उसकी भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम केवल बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिट्रीट फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईस्टर्न टू सल्क फॉर द कपल ऑफ डेज। उसने उस कमरे को छोड़कर रात के विश्राम के लिए चला गया, और ईस्टर्न के एक दो दिन टू सल्क नाराज होने की आशा करते हुए वह रात के विश्राम करने के लिए रूम चला गया या कमरे में चला गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो रसोईया था वो उतना ही उत्साहित और बातूनी था जितना कि हमेशा रहता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, और उस दिन के बाद जो महेंद्र था, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक जो अपने बहादुरी की बात पे रहता था, या वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईजी, थोड़ी बेचैनी के साथ बिस्तर पे रहता था। एवरी नाइट ही पीयर इनटू द डार्कनेस, और हर एक रात वो उस अंधकार में झांका करता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जिसके बिस्तर के जो आगे जो खिड़की थी उसके बाहर की तरफ जो अंधकार था उसमें झांकता रहता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, कि उस क्षेत्र में
कोई भी जो डार्क शेप है, तो कोई जो अधेरी या अंधकारयुक्त जो आकृतियां हैं उनकी कोई हलचल तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और केवल उसने अंधेरे में जो समुद्र को ही देखा और मीरा दूर जो उसकी फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई लाइट थी उनको ही वो देख पा रहा था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून लाइट्स। पर हमेशा ही जो चंद्रमा के दिनों की या चांदनी से नहाए हुए जो एक लैंडस्केप था उसे देखना पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन उस ईश्वर द्वारा उस भूतनी की कहानी को सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। और जब कभी जो चंद्र पूर्ण हुआ करता था तो उस समय वो खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया करता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय द लो मून। जो चंद्रमा और जो महेंद्र था वो एक रात जो महेंद्र था वो अपनी नींद से एक लो मून एक धीमे बलाप को सुन करके वोकन अप जाग गया। क्लोज टू हिज विंडो, जो उसके खिड़की के पास ही हो रहा था। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट ट्रोलिंग अराउंड द माइस। सबसे पहले उसे लगा कि कोई बिल्ली जो है वो चूहों को पकड़ना चाहती है। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर द कैट, लेकिन जो ये ध्वनि थी वो बिल्ली से या बिल्ली की ध्वनि से ज्यादा आ रही थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसने अपने जो बाहर देखने की उत्सुकता थी उसे दबा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वह ऐसा दृश्य देख ले कि उसके जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाएं। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फ्लाइंग, ठीक है, जो बिलाप था वो कहीं अधिक तीव्र होता गया। ही कुड रेजिस्ट द टेम्पटिशन एनी मोर, और वह अपनी जो ये उकसावा था उसे नहीं रोक सका। लोबरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून आउटसाइड। और उसने खुद को जो विंडो सिल थी जो खिड़की की दहलीज थी उस पर खुद को झुकाते हुए जो बाहर चंद्रमा की चांदनी की जो वाइट सीट थी जो सफ़ेद चादर थी उसमें देखा। देयर वहाँ पर नॉट टू फार, ज़्यादा दूर तो नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, के एक जो अंधेरी बादल सरीखा एक रूप था वो एक बंडल को पकड़े हुए थे। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द फ्लो। महेंद्र जो है वो एक ठंडे पसीने में तरबतर हो गया और पीछे तकिए पे गिर पड़ा। पेंटिंग हाँपते हुए एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और जैसे ही धीरे धीरे ये मृतवन जो अनुभव था उससे वो वापस या रिकवर हुआ उसने खुद से ही इसका तर्क या कारण पूछा। एंड फाइनली कंक्लूड, और आखिरकार या अंत में ये माना दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये उसका कोई अंतिम सुझाव था। समथिंग दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसके अवचेतन मन ने उसके साथ कोई खेला हो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब सुबह वह उठा, हैड अ बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपने नाश्ते करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेड फ्रॉम हिज मेमोरी, तो पिछली रात का जो डर था उसके दिमाग से उसकी मेमोरी से निकल चुका था। ईश्वर ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक एंड हिज बैग, और ईश्वर ने
दरवाजे पर उसका जो लंच पैक किया हुआ जो लंच था और जो उसका बैग था उसके साथ ग्रीट किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जब महेंद्र वापस जाने वाला था, ईश्वरन ग्रिन एंड सेड, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, कि सर उस रात को याद रखिए कि जब मैंने आपको उस भूतनी के बारे में विद द फोटिस इट्स इन इट्स आर्म, जो अपने हाथों में अपने भुजाओं में एक भ्रूण को लिए थी, उसकी कहानी बताई थी, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो आपने मेरी इस काल्पनिक चीजों पर गुस्सा किया था। वेल यू सा हार यू सेल्फ लास्ट नाइट, और कल रात आपने खुद उसे देख लिया। आई कम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं भागकर आपके कमरे में आया जहां से ये विलाप करने की आवाज आ रही थी। अ चिल बैंड डाउन महेंद्र स्वाइन, एक जो ठंड थी वो महेंद्र के रीढ़ में दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईस्टर्न टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और उसने ये इंतजार नहीं किया कि महेंद्र अपने उस वाक्य को पूरा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, पर जल्द ही अपने ऑफिस को निकल गया। एंड हैंडेड हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही और जल्द ही अपने जो पेपर्स थे उसे सौंप दिया कि वह अगले ही दिन उस भूतहे स्थान को छोड़ देगा। तो ये थी हमारी स्टोरी के कैसे जो ईश्वर है उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाता है, और वापस जब वो लेखक उस भूत को देख लेता है और डर जाता है तो स्थान को छोड़ के चला जाता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। स्टोरी आर के लक्ष्मण ने लिखी थी।